फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल द ब्राइडल मेकओवर एंड मोर। आज मैं आई हूँ एकदम डिफरेंट लुक में, एकदम डिफरेंट ट्रेडिशनल गेटअप में। तो मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई किया जाए। वो नया क्या है? नया ये है कि विदाउट फाउंडेशन भी मेकअप हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं इस सीरीज की हर वीडियो में मैं बोल चुकी हूँ, को वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत में होगा आपके लिए एक बिग रिवील, मेरे लिए भी बिग रिवील। मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने पहले कभी नहीं की। सो चलिए देखते हैं दोस्तों, कैसे मैं ये अपना दशहरा वाला और लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा वाला लुक क्रिएट करती हूँ विदाउट द फाउंडेशन। सबसे पहले मैं लॉरियल की हाइलुरोनिक एसिड वाली जो फेस सीरम है, इसको मैं थोड़ी सी एज ए स्किन को प्रेप करने के हिसाब से लगा रही हूँ। आप जितने अच्छे से स्किन को प्रेप करेंगे बिफोर मेकअप, उतना ही आपकी ग्लोइज मेकअप होंगे। आज मैं इल्यूमिनेटर के तौर पे यूज करने वाली हूँ लैक्मे की मॉइस्चराइजर विथ हाइलाइटर लूमी क्रीम। ये बहुत ही अच्छा है, एक 3D फिनिश, 3D ग्लो आपके मेकअप में ये ऐड करेंगे। वाओ, दिस इज रियली गुड, मतलब इट्स अ रियली गुड इल्यूमिनेटर। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ग्लो कर रहा है मेरी स्किन। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आज मैं कोई फाउंडेशन इस्तेमाल करने वाली नहीं हूँ। यस, इसके ऊपर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ एक कंसीलर, LA गर्ल की प्रो HD कंसीलर। ये सिर्फ एक कंसीलर से ही आप आज की ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। वही डैम स्पंज। अब इसको पूरे फेस पे जितनी, मतलब मैंने वही वही पे लगाया कंसीलर जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन की दाग है और डार्क सर्कल है मुझे। अब इसको आप इस तरीके से पूरे फेस पे ब्लेंड कर दीजिए। मैं एक बात बताऊंगी, कंसीलर इस तरीके से सेट करने के बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन स्किन टोन है जस्ट लाइक मी, जैसे कि मेरा टी जोन बहुत ही ऑयली है, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि थोड़ी सी कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर इस तरीके से, अब जैसे मैं लैक्मे की इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसको थोड़ा सा, मतलब वो टी जोन एरिया पे डैब कर लीजिए ताकि मेकअप के बाद ऑयल सिक्रेशन उतना ज़्यादा ना हो, और थोड़ी सी मतलब अपने कंसीलर को आंखों के नीचे वगैरह में सेट करने के लिए एकदम हल्का सा मैं बोलूँगी इस्तेमाल करने के लिए पाउडर। और जिन लोगों की ड्राई स्किन है बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही, मतलब कंसीलर कोई भी कंसीलर से ब्लेंड हो गई है ड्रायर साइड वालों के लिए, मैं बोलूँगी कि नहीं, ज़रूरत नहीं है ऑयल सिक्रेशन अगर आप लोग नहीं हो रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट या फिर कोई भी ट्रांसलूसन पाउडर, सेटिंग पाउडर सेट करने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है ब्लश ऑन की। तो ये जो लैक्मे की इल्यूमिनेटिंग शिमर ब्रिक है, इससे इतना अच्छा एक ड्यूई इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफी सारे कलर्स, न्यूट्रल से लेके लिटिल बिट ऑफ पिंक तक पूरा मिक्स करके आप ऐसे लगा सकते हो। आज मैं कोई आई शेडो इस्तेमाल नहीं करूंगी, यूज भी नहीं करूंगी। आई मेकअप के लिए मैं और थोड़ा नजदीक आ जाती हूँ आप लोगों के। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगी वही लैक्मे एब्सोल्यूट की जो इल्यूमिनेटिंग शिमर ब्रिक पैलेट है, उसी में से कुछ रंग चूज करूंगी और एक आई लुक क्रिएट करूंगी। आपके पास कुछ भी हो, लेट्स से वन गुड लिपस्टिक, कोई भी कलर का लिपस्टिक, न्यूट, पिंक, जो भी आपके अटायर हो उसके हिसाब से आप वो शेड चूज कीजिए और एक एकदम मिनिमल सा एक आई मेकअप कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। मैं आपको टेक्निक दिखा रही हूँ, रंग आपके ऊपर है। सेम तरीके से मैं लोअर लैश लाइन पे भी सेम रंग अप्लाई करूंगी। ये सबसे ज्यादा जो लाइटर शेड यहाँ पे है, दिस वन, इसको मैंने ये फ्लैट ब्रश के साथ
इनर कॉर्नर पे इस तरीके से ऐसे लगाया है। अब बारी आती है काजल की। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया है कि कैसे आप उंगली से इस चीज़ को ऐसे स्मज कर सकते हो। अगर नहीं देखे होंगे सो प्लीज़ ज़रूर देखिए, लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, सेम काजल को आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे ऊपर में इस तरीके से, और उसको हल्के से स्मज कर दोगे तो एक हल्का स्मोकी इफेक्ट आएंगे। मैं आज वही करने वाली हूँ। अगर आप वो नहीं चाहते हो कि आप चाहते हो कि एक नीट लाइन हो, तो आप इस तरीके से एक पेन लाइनर या कोई भी लाइनर को भी आप इस तरीके से यहाँ पे विंग लाइन कर सकते हो। स्मजर ब्रश आप इस्तेमाल करते हो, कोई भी स्मजर ब्रश, तो इससे अगर स्मज ना करना चाहो, अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो फिंगर इज अ बेस्ट स्मजर। आईब्रो को एनहांस करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लॉरियल पेरिस की जो ब्राउ किट है, ये ब्राउ किट इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी स्पूली के साथ ब्रश दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप लोगों के साथ शेयर किया, पहले डाउनवर्ड्स, फिर शेप दीजिए, फिर अपवर्ड्स कॉम्ब कीजिए। यहाँ पे दो तरीके का टेक्सचर है, एक है पाउडर फॉर्मेट में, एक है क्रीमी क्रीम फॉर्मेट में, तो आप चाहो तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बारी आती है मस्कारा की। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ लैश लिफ्ट फॉल्सिस मेबलिन की। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं मस्कारा एक ही कोट लगाती हूँ, क्योंकि मैं फॉल्सिस इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो टू कोट ऑफ मस्कारा, टू कोट ऑफ लेयर ऑफ मस्कारा इट्स इनफ। इसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, एब्जॉर्ब होने दीजिए, फिर से आप डबल लेयर लगाएंगे तो दैट्स इनफ। फिर से मैंने टू कोट्स ऑफ मस्कारा लगा लिया, क्योंकि आज मैं फॉल्सेस नहीं लगाऊंगी इसलिए। सो अब इस मेकअप में और क्या रहा, एक लिपस्टिक और एक फिक्सर, दैट्स इट। लिपस्टिक के तौर पे मैं इस्तेमाल करूंगी आज शुगर की मैच एज हिल स्कारलेट ओहारा। आपकी पूरी लुक कंप्लीट। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आप चाहो तो हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं चाहो तो हाइलाइटर इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट जो मस्ट है दिस इज नॉट ऑप्शनल, दैट इज अ फिक्सर। आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ शुगर की ग्रैंड फिनाले सेटिंग मिस्ट, और ये है डूई, मतलब डूई सेटिंग मिस्ट। एंड सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है दिस इज SPF 30, मतलब ये आप डे टाइम पे भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स पे आपको एक ड्यूई ग्लोई फिनिश देगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि विदाउट हाइलाइटर, मैंने आज हाइलाइटर का इस्तेमाल किया ही नहीं, किस तरीके से मेरी पूरी जो मेकअप है ग्लो कर दी है। सो विदाउट फाउंडेशन वाला मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स आई एम कंप्लीटली रेडी। फ्रेंड्स बिग रिवील ये है कि मैं अपना पहला बिग गिव अवे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट पे बताइए कि आपको गिव अवे में कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आप नहीं चाहते, तो आप वही सजेस्ट कीजिए कि किस चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, स्किन केयर पे, मेकअप में, हेयर केयर में, तो वही सजेशन मुझे आप लोगों से चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, अगर देखा अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और काफ़ी सारे वीडियो है देखिए, अगर अच्छा लगा तो बोलिए, अगर कुछ और नए देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं बेझिझक, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो सब वीडियो नए वीडियोज़ ला सकूँ। फॉर नाउ फ्रेंड्स बाय।